जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने बेसिक्स देखा था ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोगों ने लाइंस क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से लाइन कैसे बनती है, लाइन से प्लेन कैसा बनता है, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसके बाद में एंगल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। इस वीडियो के अंदर में हम लोग कुछ और चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बाद में एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ये अभी यहाँ से नाइन से इंपॉर्टेंट आएगा, इसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स, उसके बाद में लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को अभी यहाँ पर देखनी है। जैसे ये चीज़ ख़त्म हो गई उसके बाद शुरू होगा थ्योरम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटा? तो ऐसे एंगल्स जिसमें सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अब ये जो भी हम लोग एंगल्स देखने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, एडजेसेंट, व्हाटएवर, इसमें दो एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक अकेला एंगल कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनकी सम जब आप करोगे तो आंसर कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एक या दो मार्क के लिए प्रॉब्लम एक आधा आता है। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, जब 90 डिग्री रहेगा तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। हो सकता है एक एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो, तो दूसरा हम कैसे पता करेंगे? 60 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, तो एंगल बी कितना आएगा? 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। अब ये तो बहुत ही सिंपल टाइप का हो गया, इसमें थोड़ा सा वो कंडीशंस वगैरह अप्लाई करते हैं, जैसे वन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज ट्वाइस द अनदर, देन फाइंड द टू एंगल्स, इस तरह से। तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम लोग देखेंगे, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी क्या, दो एंगल्स की सम 90 डिग्री। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है फिर? इसी तरह के दो एंगल्स ऐसे जिनका सम करो तो आंसर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सम करो तो एंगल कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। यानी अगर दो एंगल्स का सम 180 आता है तो एंगल सप्लीमेंट्री हुए, दो एंगल पेयर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सप्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। जैसे एक 120 डिग्री है तो दूसरा 60 हो सकता है, एक 100 है तो दूसरा 80 हो सकता है, लाइक दिस। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का सम 90 डिग्री। अब बहुत सारी बार क्या होता है आप लोगों को बेटा, कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है आप लोगों को कि सप्लीमेंट्री में 180 लेना है या कॉम्प्लीमेंट्री में 180 लेना है, राइट? तो यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन है इसको अवॉइड करने का मेरे पास एक तरीका है। जैसे मैं याद रखता था, अभी तो याद हो गया, बट जब कन्फ्यूज होता था तब क्या करता था? तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली सी और एस में से पहले क्या आएगा? आप बोलोगे सर सी आएगा। 90 और 180 में न्यूमेरिकली क्या आएगा? तो बोले 90 आएगा। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसके साथ न्यूमेरिकली जो पहले आ रहा है वो आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 डिग्री। अल्फाबेटिकली एस बाद में आता है, न्यूमेरिकली 180 बाद में आता है, तो सप्लीमेंट्री के लिए 180, एज सिंपल एज दैट। ऐसा तो आप लोगों को ये याद रहता है क्योंकि आप फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से ये पढ़ रहे हो, बट स्टिल अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा उसको याद रख सकते हो। तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? तो वर्ड जो है एडजेसेंट, एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है पड़ोसी, नेबर। क्या बोलते हैं? नेबर या पड़ोसी। तो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पड़ोसी का मतलब क्या होता है, हम जब बात करते हैं कि ये हमारे पड़ोस में रहता है, तो जब हम बात करते हैं पड़ोस में तो सोसाइटी में जितने भी घर है वो हमारे पड़ोस में आ गए, पड़ोसी हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पड़ोसी का जो टेक्निकल मीनिंग है वो ऐसा है कि जो एग्जैक्टली आपके घर की वॉल कंपाउंड को लग के घर होगा। जैसे ये आपका घर है तो ये एक वॉल कंपाउंड है, इसको लग के एक घर होगा तो वो आपका एडजेसेंट हो गया, पड़ोसी हो गया। और यहाँ पे इस वॉल कंपाउंड को लग के दूसरा घर होगा तो वो आपका पड़ोसी हो गया, यानी आपका एडजेसेंट हो गया। जैसे इंडिया, इंडिया की बाउंड्री को लग के पाकिस्तान है तो वो हमारा पड़ोसी हो गया, नेबर हो गया। बांग्लादेश है, नेबर हो गया। चाइना, चाइना तो नहीं है, नेपाल है, ठीक है, नेपाल हो गया। भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया। तो ये हमारी बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, तो व्हेन दे शेयर द बॉर्डर, यानी यहाँ पे अगर हम घर के हिसाब से बोले तो वॉल कंपाउंड, तो जो इनको हम इसको शेयर करेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट। तो यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल का मतलब ऐसा होता है दो एंगल्स। अब मैं बोला कि
पड़ोसी होने के लिए कम से कम दो घर तो लगेंगे ना, अकेला किसका पड़ोसी रहेगा, बराबर है? तो जब दो घर रहेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि वो पड़ोसी हैं। तो उसी तरह जब यहाँ पर दो एंगल्स रहेंगे तब एडजेसेंट है या नहीं है उसकी बात आएगी। समझ में आया? जब पड़ोसी यानी जब दो एंगल्स हैं तब बात होगी एडजेसेंट है या नहीं, अकेला तो एडजेसेंट बन ही नहीं सकता। अब एडजेसेंट होने के लिए यहाँ पर टोटल तीन कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, यानी यहाँ पे थ्री क्राइटेरिया रहेगी। अगर वो तीन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है दोनों एंगल मिलके, अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप वो बोलोगे कि वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। अब वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हम फिगर में क्या देख रहे हैं कि मान लो मेरे पास दो एंगल्स हैं इस तरह से, यहाँ पे मान लिया ए बी और सी और यहाँ पे ले लिया डी। तो यहाँ पर दो एंगल्स में ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स देख रहा हूँ। तो अब एडजेसेंट, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं, ये तीन कंडीशंस पे से समझेगा। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका वर्टेक्स जो है ये कॉमन होना चाहिए या सेम होना चाहिए। वर्टेक्स सेम मतलब सारी रेज जो है वो एक ही जगह से निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, पहली कंडीशन है कॉमन आर्म की। तो अगर आप एंगल ए बी सी को देखोगे, मैं यहाँ सेपरेट करके बता रहा हूँ आपको, ए बी और सी को देखोगे और सी बी डी को देखोगे, तो यहाँ देखो आर्म बी सी जो है ये दोनों में भी आ रहा है। अगर इसको एक के ऊपर एक रख दिया तो ऐसा बन जाएगा बी सी, तो वो कॉमन आर्म हो गया। तो कॉमन आर्म तो है, फिर दोनों का वर्टेक्स भी सेम है। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, तो तीसरी कंडीशन ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स जो रहेंगे ना, नॉन कॉमन आर्म्स शुड लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं दो एंगल के, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में चाहिए। जैसे कॉमन आर्म हुआ हमारा बी सी यहाँ पे, तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हुए, ए बी और बी डी, तो ये बी सी के अपोजिट साइड में चाहिए। यानी अगर एक ऊपर है तो एक नीचे चाहिए, एक लेफ्ट में है तो एक राइट में चाहिए, एक आजू में है तो एक बाजू में चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये तीन क्राइटेरिया अगर मीट करती है तो हम बोलते हैं कि वो एडजेसेंट एंगल की पेयर बनती है। तो यहाँ पर देखो, कॉमन आर्म है दोनों में, कॉमन वर्टेक्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में। ऑपोजिट साइड में मतलब कि एक ऊपर है तो एक नीचे, जैसे ये कॉमन आर्म हुआ तो ये नॉन कॉमन एक ऊपर में है और एक नीचे में है, बराबर है? तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल के क्राइटेरिया को मीट करते हैं, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल हुए। कौन से, यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ए बी सी। मैंने बोला था जब यहाँ पे एक ही वर्टेक्स पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं तो आपको थ्री लेटर से डिनोट करना पड़ेगा उसको, ए बी सी, और आप सी बी डी लिखो या डी बी सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल डी बी सी। तो ये एक पेयर हुआ एडजेसेंट एंगल का। अब अगर मैं ये वाला पेयर लूँ और पूछूँ क्या ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, तो जब मैं पेयर लिख लूँगा उसके बाद आप पॉज करना और कमेंट में बताना कि क्या वो है। आंसर तो मैं बताऊँगा लेकिन पॉज करके आप पहले कमेंट डालना, देखते हैं कितने लोगों को पता चला है। एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो और सोचो फिगर को देख के कि क्या आपको ये एडजेसेंट एंगल्स लगते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ हाँ या ना। चलो तीनों पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। पहला, कॉमन आर्म ए बी सी और ए बी डी में ए बी कॉमन आर्म आ रहा है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, वर्टेक्स सेम चाहिए, तो ए बी सी और ए बी डी में बी जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, बी पे ही सब लोग आ रहे हैं, तो सेकेंड क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि नॉन कॉमन आर्म शुड लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म ए बी है, नॉन कॉमन बी सी और बी डी हो गया, तो देखो बी सी और बी डी कॉमन आर्म के एक ही साइड में है, दोनों नीचे में है। ऐसा नहीं कि एक नीचे और एक ऊपर है, दोनों नीचे में है। इसका क्या मतलब हुआ
कि तीसरी कंडीशन जो है ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये पेयर जो है ये एडजेसेंट पेयर नहीं हो सकते। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, दो हो रहे एक नहीं हो रहा, बोला सर एडजस्ट कर लो, तो यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती बेटा, यहाँ पे तीनों है तो बात होगी, नहीं तो एडजस्ट तो नहीं चलता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडजेसेंट पेयर कैसे होती है। तीन कंडीशंस को ध्यान में रखना, इसी से बनता है हम लोगों का अभी आगे का पेयर जो है लीनियर पेयर। ओके, तो अब लीनियर पेयर पे बात करते हैं। लीनियर पेयर, पहले लीनियर पेयर पे डिस्कशन करते हैं एग्जैक्टली उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है क्या नहीं होती। सबसे पहले तो लीनियर पेयर जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ही है, स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। तो बोले स्पेशल टाइप क्या रहा है? तो लीनियर पेयर मतलब ऐसे एडजेसेंट एंगल्स की पेयर जिनका सम 180 आता है। यानी लीनियर पेयर के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए प्लस सप्लीमेंट्री होने चाहिए। यानी जब एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री का मिश्रण मिक्स होगा, मिक्सचर होगा, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा लीनियर पेयर। अब पहले हम सेपरेट करके देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले ये बात करते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स की, जो अभी हमने देखा था। तो मैंने कहा ये डॉट वाला और ये टिक मार्क वाला, ये दो एंगल एडजेसेंट हो गए क्योंकि अभी हमने देखा तीनों क्राइटेरिया मीट करता है। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू जो है ये 40 डिग्री है और इसका वैल्यू जो है ये वो 30 डिग्री है, तो कुल मिला के कितना हो गया 70 डिग्री। मतलब ये एडजेसेंट तो है लेकिन 180 नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, तो ये लीनियर पेयर नहीं हो सकता। आगे अब देखते हैं दो एंगल्स, ये होता है एक एंगल 60 डिग्री का और ये होता है एक एंगल 120 डिग्री का। अब इन दोनों का सम करो तो कितना आता है 180, मतलब ये सप्लीमेंट्री तो है लेकिन ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, ना वर्टेक्स सेम है ना कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म्स अलग अलग होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ सप्लीमेंट्री का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वाइल एडजेसेंट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे। ये एडजेसेंट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है लेकिन सप्लीमेंट्री का फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों भी लीनियर पेयर तो नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर मैंने एक और लाइन ऐसी डाली। अब इसको देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बी सी डी, सी बी डी जो एंगल है, ये कबड्डी नहीं है, सी बी डी, तो सी बी डी जो एंगल है वो 60 डिग्री है और ए बी सी जो एंगल है सॉरी ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो पहले देखते हैं 60 और 120 को प्लस करो 180, सप्लीमेंट्री तो बन रहा है। अब देखो CBD और CBA में B कॉमन वर्टेक्स है, पहला हो गया, BC कॉमन आर्म है इन दोनों में, दूसरा भी हो गया, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो BC के ऑपोजिट साइड में, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में, मतलब तीन क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। मतलब ये साथ ही साथ कौन से एंगल्स हुए? एडजेसेंट एंगल्स हुए, मतलब सप्लीमेंट्री भी और एडजेसेंट एंगल्स भी। तो ये क्या बन गया बेटा? लीनियर पेयर। क्या बन गया? लीनियर पेयर। अब इस पे ढेरों टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एक आध मार्क के लिए जो एमसीक्यू आएंगे उसके अंदर में ये काम पड़ सकता है, ठीक है। अब लीनियर पेयर का बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो कुछ इस तरह का आएगा कि लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विथ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको लीनियर पेयर को, कि लीनियर पेयर आर द एडजेसेंट एंगल्स इन विच द नॉन कॉमन आर्म्स आर द ऑपोजिट रेज। लीनियर पेयर ऐसे एडजेसेंट एंगल्स है जिसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ऑपोजिट रेज है। ऑपोजिट रे कैसे होते हैं? कि ये ऑपोजिट नहीं हुए, दो रेज है तो ये ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट तब हो गए जब वो दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये मान लो इधर ईस्ट में जा रहा है मेरे डायरेक्शन से और ये वेस्ट में जा रहा है मेरे डायरेक्शन से, तो ये ईस्ट और वेस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अब ये अगर बोलेगा कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है और ये ईस्ट में जा रहा है तो फिर ये ऑपोजिट नहीं हुए, ऑपोजिट के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट चाहिए, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर अगर कोई एक और रे आके गिरती है ऐसा इस तरह से, तो यहाँ पर जो दो एंगल तैयार होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये कैसे हुए? सप्लीमेंट्री भी हुए साथ ही साथ में एडजेसेंट भी हुए, यानी ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो अब इस पे से हमको दो बातें समझ में आती हैं।
पहला कि लीनियर पेयर में हमेशा एडजेसेंट एंगल का सम कितना होएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और वो जिस उसके जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट रे होती है तो क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी वेन एवर आई से इट इज़ अ लीनियर पेयर, तो लीनियर बोला क्यों, क्योंकि लाइन वर्ड आया वहाँ से, तो जब वो लाइन बन गई, ठीक है, तो एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। उल्टा अगर किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 आता है तो वो बाय डिफॉल्ट लीनियर पेयर रहेगा। दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 आएगा तो वो बाय डिफॉल्ट लीनियर पेयर कहलाएगा, और अगर लीनियर पेयर है तो बाय डिफॉल्ट उनका सम 180 कहलाएगा। तो अगर लीनियर पेयर है सम 180 लेंगे, लीनियर पेयर बोला है तो हम सम 180 लेंगे, तो उसके लिए रीजन लिखेंगे हम लीनियर पेयर एक्सियम। अब ये बात ध्यान से सुनो, LPA, लीनियर पेयर एक्सियम। अब ये एक्सियम क्या है, हमको यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर में समझ में आता है, जो हम लोगों ने लेसन को स्किप किया हुआ है, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको एक्सियम वर्ड को याद रखो, क्या होता है, कैसा होता है, जब हम लेसन देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना मैंने बोला था, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा भी और नहीं भी पड़ेगा, तो यहाँ पे पड़ा क्योंकि हमको वर्ड दिखा एक्सियम, बट इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना नहीं कि एक्सियम क्या होता है, हमको सिर्फ याद रखना है लीनियर पेयर के आगे वर्ड लिखना है एक्सियम, ठीक है। तो जब लीनियर पेयर दिया है तो हमने सम लिया 180 डिग्री और रीजन देंगे लीनियर पेयर एक्सियम इस तरह से LPA। अभी तक आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिखते थे 7th स्टैंडर्ड तक के, अब आएगा वो लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है। उल्टा अगर आप को ये पता है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है और आप बोल रहे हो कि देयरफॉर नॉन कॉमन आर्म जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब कंक्लूजन में आपने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन, तो आप बोलोगे कॉन्वर्स ऑफ, कॉन्वर्स मतलब उसका उल्टा, ठीक है, तो कॉन्वर्स ऑफ LPA लीनियर पेयर एक्सियम। तो LPA कब यूज करोगे, जब कंक्लूजन में आप 180 ले रहे हो, और कॉन्वर्स ऑफ LPA कब यूज करोगे, जब कंक्लूजन में आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हो। बात समझ आ रही है, इसको दो तीन बार रिपीट करके सुन लो अच्छे से, ओके, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फाइन। तो आई होप आप लोगों को लीनियर पेयर क्या होता है समझ में आया, कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है समझ में आया। अब बचता है हम लोगों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो बहुत ही सिंपल है, तो मैं दो मिनट में बोर्ड क्लीन करता हूँ। एक्चुअली मैंने आप लोगों से झूठ बोला, हमारा एक नहीं दो टॉपिक बचे हैं, एक बचा है वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा बचा है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो मिनट का पोर्शन है, ठीक है। चल पहले वर्टिकली अपोजिट देखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं पहले उस पर बात करते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, जब दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट है, तो आपको ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पेयर ऑफ एंगल तैयार होता है, वैसे दो पेयर ऑफ एंगल तैयार होते हैं, फिलहाल हम एक पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो दो एक पेयर ऑफ एंगल तैयार होता है जिसमें क्या होता है कि एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं। जैसे अगर मैं एंगल APC की बात करूँ और DPB की बात करूँ, ये दो एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंगल जो है ये ऐसा जा रहा है AP और C, और दूसरा एंगल जो है वो नीचे बन रहा है DP और B। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो ऊपर वाले एंगल का एक रे और नीचे वाले एंगल का एक रे, यानी एक आर्म, ऊपर वाले एंगल का एक आर्म और नीचे वाले एंगल का एक आर्म हमेशा ऑपोजिट आर्म्स रहेंगे, ऑपोजिट रेज रहेंगी, मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगी। फिर उसी तरह दूसरे आर्म पे भी ये अप्लीकेबल होगा कि ऊपर वाले एंगल का एक आर्म और नीचे वाले एंगल का एक आर्म, ये दोनों ऑपोजिट रेज रहेंगे। व्हेन आई से ऑपोजिट रेज, मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन, तभी वो होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ये इस तरह से है AP और C और दूसरा जो है ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ऐसा यहाँ पे D है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये यहाँ पे मुड़ गया, तो ये दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं कहलाएंगे। वाई? क्योंकि इसका ऑपोजिट रे ऐसा होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ये बेंड हो गई है, तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ बेंट लाइन, इसको आप कर्व बोलते हो, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल में सिंपल आपको स्ट्रेट एक एक्स बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होते हैं और ऊपर वाले एंगल के दो आर्म्स को एग्जैक्टली अपोजिट रेज नीचे वाले एंगल के रिस्पेक्टिव दो आर्म्स होते हैं, देन दे आर सेड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यही बात आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो इस तरह से, यानी अभी हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको एक्स ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लो हम यहाँ से देख रहे होते या यहाँ से देख रहे होते तो हमको ये एक्स ऐसा दिखता। तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल, इसमें भी वर्टेक्स कॉमन है, ये वाले एंगल का आर्म और ये आर्म नीचे वाले एंगल का, इधर वाले एंगल का, ठीक है, ये अपोजिट रेज है, यहाँ पे ये अपोजिट रेज है। तो इसलिए मैंने बोला कि दो पेयर तैयार होती है, लेकिन हमको फोकस एक पे ही करना होता है एट अ टाइम, अंडरस्टूड। तो ये हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है, जैसे लीनियर पेयर की थी कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए, वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक सिंपल प्रॉपर्टी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन देयर मेजर, यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही रहेगा, उसके बाद ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही रहेगा, वर्टिकली अपोजिट है। बोले सर यहाँ पे तो ये छोटा दिख रहा है और यहाँ बड़ा दिख रहा है, तो मैंने कल ही बोला था मैंने यहाँ पे बनाऊँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल सेम ही रहेंगे, समझ में आया। अगर ये मैंने जितने डिस्टेंस पे कर्व बनाया ऐसा, तो यहाँ पे अगर उतने डिस्टेंस पे आर्क बनाता तो वो सेम दिखता, मैंने थोड़ा दूर बनाया इसलिए बड़ा दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, अगर आप डीसी को एक लाइन मानो और ये एपी को एक रे मानो तो ये लीनियर पेयर बनते हैं, क्यों, कॉमन वर्टेक्स, अपोजिट रेस, एडजेसेंट एंगल्स, दोनों का सम 180 आएगा, समझ में आ रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में लीनियर पेयर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो अभी आपको समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अब तुरंत में बात कर रहे हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके पहले ये बोल दूँ कि ये जो हमने प्रॉपर्टी देखी अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इस पर एक थ्योरम है जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने करेंगे, जिसके साथ साथ हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे और एक्सरसाइज फर्स्ट आपको होमवर्क में आएगी, ठीक है। तो अभी लास्ट पार्ट इस लेक्चर का आप देख रहे हो यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब ऐसा होता है ऐसी लाइंस, ऐसी दो लाइंस, मिनिमम दो ऐसी दो लाइंस जिसमें एक कॉमन पॉइंट है। जैसे आप ए बी और सी डी को देखो, ये दो लाइंस हैं, इनमें एक पॉइंट कॉमन है, कौन सा, पी। ये पी पॉइंट ए बी पर भी है और सी डी पर भी है, दोनों पर भी है। सो वेन टू डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग लाइन शेयर वन कॉमन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट, देन द टू लाइन्स आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। अब बोले सर यहाँ पे दो से ज़्यादा लाइन्स आ गई तो इनको इंटरसेक्टिंग नहीं कहते, इनको कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं, ये सिक्स स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, और कॉन्करेंट लाइन्स में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। तो अगर एग्जैक्टली दो लाइंस मिल रही है एक कॉमन पॉइंट में, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हेन मोर देन टू लाइंस मीट एट वन कॉमन पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस, एंड अ पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब उसका उल्टा, ये ऑपोजिट वर्ड है, इंटरसेक्टिंग का ऑपोजिट वर्ड हो गया यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग, लेकिन टेक्निकली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहते हैं अभी समझ में आएगा। दो लाइंस ऐसी रहेगी जिनमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेगी, तो ऐसी लाइन को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप में से कोई कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, आगे की बात सुन के कमेंट नहीं करना, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप पॉज करो और कमेंट डालो, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, मतलब कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है। आप जिस मोबाइल में आप देख रहे हो उस मोबाइल की दोनों एजेस को देख लो, ऐसी या ऐसी, तो वो कभी भी नहीं मिलेगी, अदरवाइज मोबाइल ऐसा दिखता आपका, ठीक है। रेल की जो ट्रैक्स होती है, ट्रेन की जो ट्रैक्स होती है, रेलवे ट्रैक्स, वो देखो कभी भी नहीं मिलती, इसलिए सीधी सीधी जाती। बोले सर हमने तो देखा है कि वो यहाँ पे जाके मिलती, वो मिलती नहीं है, वो ट्रेन को डाइवर्जन देने के लिए एक दूसरा वहाँ पे दिया रहता है ट्रैक, सो दैट ट्रेन डाइवर्ज हो जाए। अगर वो मिलती रहती थी तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर भी ऐसे चपक जाते थे, ट्रेन ऐसी चपक जाती थी, ट्रायंगल जैसी बन जाती थी, समोसे जैसी, ठीक है, और आप वो समोसे में फंस जाते थे।
बराबर है, तो ट्रैक्स कभी नहीं मिलती है, उसको डाइवर्जन देने के लिए दूसरी एक पटरी डाली रहती है जो उसको टर्न करने में काम करेगी। आपकी स्केल की बॉर्डर, रूम की वॉल्स, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस देखने को मिलेगी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, ये पेयर ऑफ लाइन्स है, ठीक है, दो लाइन को पेयर बोलते हैं, तीन के ऊपर पेयर नहीं रहेगा, वो ट्रिपलेट क्वाड्रिपलेट ऐसा रहेगा, पेयर में दो ही रहती है। तो पेयर ऑफ टू लाइन्स मे बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स पैरेलल, दैट्स इट। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा आज का, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक थ्योरम जिसमें हम प्रूव करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं, और बाद में सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सरसाइज होमवर्क में आ जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास में है तो यहाँ तक का कंटेंट पूरा थियोरेटिकल पढ़ लीजिए, और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हिंद।